prevalence and comorbidity uh, now we will discuss about the prevalence of bulimia nervosa in general population and clinical patients as well as we will see which uh, disorders can coexist in combination with bulimia nervosa so here we will go 12 month prevalence jo hai, wo bulimia nervosa saki young females may 1 to 1. 1.5 percent इसी तरह जो पॉइंट प्रेवलेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि ओल्डर एडोलसन्स और यंग एडल्टहुड के अंदर जो है ये डिसऑर्डर ज़्यादा पीक में हमें ऑब्जर्व होता है लेकिन ये यंग एडल्ट्स के अंदर भी क्वाइट हाई जो है इसकी प्रेवलेंस रेट एग्जिस्ट कर रही है अगर हम जेंडर वाइज देखें तो मेल टू फीमेल रेशियो देखें तो दैट इज़ वन टेन ठीक है यानी अगर एक आ, मेल है तो टेन जो हैं वो फीमेल्स हैं इसी तरह अगर हम इसकी कोमोबिडिटी की तरफ़ जाएं तो कोमोबिडिटी में आ, हमने ये बात बहुत दफ़ा की है कि जो प्रॉब्लम होता है ईटिंग डिसऑर्डर में उसमें सेल्फ स्टीम का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होता है ठीक है जो गिल्ड का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है तो इट मे पॉसिबल कि ऐसे क्लाइंट्स जो होते हैं जिनमें ईटिंग डिसऑर्डर है और स्पेसिफिकली नर्वोसा है दे मे एक्सपीरियंस द बायोपोलर डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर सो जब हम बायोपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये जो क्लाइंट हैं ये एक्सपीरियंस कर रहे हो किस चीज़ को मीनिया हाइपोमेनिया और डिप्रेशन के एपिसोड को और ये भी पॉसिबल है कि ये सिर्फ जो है डिप्रेशन को ही फीचर्स जो हैं वो इनके अंदर आ रहे हों इसी तरह हम इन्जाइटी डिसऑर्डर्स भी इनके अंदर देखते हैं एन्जाइटी डिसऑर्डर में जो सबसे बड़ा डिसऑर्डर है या जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनके अंदर होती है वो है सोशल एन्जाइटी ठीक है कि ये जो रिलेशनशिप है ये उनको मेंटेन नहीं कर सकते और इसके साथ साथ इनको वो बिल्ड करने में भी प्रॉब्लम होता है अगर आप ये देखो तो ये ऐसा क्यों होता है इसकी वजह ये भी है कि जो इनकी सेल्फ एवेल्यूशन है वो लाइक करी होती है थ्रू बॉडी वेट एंड शेप के साथ तो इनका uh, जो अपनी अप्रूवल है वो यही होती है कि दूसरा शख्स मुझसे उसी वक्त बात करेगा जब वो मेरी बॉडी शेप को पसंद करेगा ठीक है तो इस वजह से जो इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं वो डेवलप होने में जो फियर ऑफ़ रिजेक्शन इनके अंदर अंडरलाइन होता है वो इनको काफ़ी प्रॉब्लम करता है तो एन्जाइटी डिसऑर्डर में इस किस्म के डिसऑर्डर्स जो सोशल इन्जाइटी है वो हम इनके अंदर प्रिवेल्ड देखते हैं देन सब्सटेंस यूज पर्टिकुलरली अल्कोहल और स्टिमुलेंट्स यूज हम अक्सर ये बात करते हैं कि एडोलिसंस में जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें सब्सटेंस यूज़ जो है उसकी कोमोबिडिटी है इट माइट बी ड्यू टू कि वो टीन एज होता है एक पीयर प्रेशर होता है एक कल्चरल नॉर्म्स होते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्ट ठीक है तो वहाँ पर ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल बिहेवियर होता है बच्चों का अल्कोहल कंजम्पशन का एस्पेशली टीन एज टाइम पीरियड में और आ, अगर हम अपने कल्चर में बात करें तो डेफ़िनेटली ये चीज़ उस तरह ओपनली एग्जिस्ट तो नहीं करती कि जिसमें हम कहें कि ये कल्चरली नॉर्म है लेकिन पीयर प्रेशर जो है वो हमें यहाँ पर भी देखने में मिलता है तो सर्टेन टाइम जो सब्सटेंस यूज़ है उसकी कोमोबिडिटी भी हमें मिलती है इस तरह के डिसऑर्डर्स के साथ तो यू वैन एवर यू आर लाइक सींग एनी पेशेंट हु इज़ हैविंग द बुलेमा नर्वोसा यू ऑल्सो नीड टू बी फाइंड आउट वैदर दिस थिंग्स गो मॉबर्ट इन द पर्सन और नॉट थैंक यू